हेलो फ्रेंड्स, ससुरे टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसका आवाज़ कम है तो उस आवाज़ को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हैं। होता क्या है कि अपने सिस्टम में जैसे अपने क्रोम ब्राउजर पर यूट्यूब चलाते हैं अपने सिस्टम में तो उसका आवाज़ बहुत ही कम होता है, तो उस आवाज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इस वीडियो पूरा लाइव वीडियो के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट बने रहिए, करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, लैपटॉप के और डेस्कटॉप पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है एनहेंसर फॉर यूट्यूब, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एनहेंसर फॉर यूट्यूब। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एनहेंसर फॉर यूट्यूब, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनहेंसर फॉर यूट्यूब, यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले वाला ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टू क्रोम, आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेना है। यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग लिखा हुआ है, तो आपको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जैसे कि इसे कैसे कैसे यूज करना है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आपको यूज करना है इसे देख के आप कस्टमाइज कर सकते हैं कैसे कैसे आपको यूज करना है। तो सिंपल सा इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एनहेंसर फॉर यूट्यूब यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं थीम में अगर डार्क करना है तो यहाँ से डार्क कर सकते हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको वॉल्यूम हाई करना है, इंक्रीज करना है। तो सिंपल सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम बूस्टर लेवल यहाँ पे 3 दिया है, तो आपको 10 कर लेना है। यहाँ से 10 करने के बाद यहाँ से सिंपल सा आपको कट कर देना है। और एक बात और आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे परमानेंट पिक्सल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना यहाँ पे देख सकते हैं मुझे परमानेंट 360 पिक्सल यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, जो कि मेरा जो भी वीडियो यूट्यूब पे सारा दिखाई देगा ऑटोमेटिक 360 पे सेट हो जाएगा, क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा यूट्यूब। मैंने इसे परमानेंट सेट कर दिया जैसे कि 360 पिक्सल पे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं एनहेंसर फॉर यूट्यूब, यहाँ पे क्लोज विंडोज कर देना है। इसे क्लोज करने के बाद एक नया टैब आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से एक और टैब ओपन होगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसे भी आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। और इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आपका साउंड क्वालिटी अपने लैपटॉप की और डेस्कटॉप की कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं 3 गुना ज़्यादा। तो हम यहाँ पे नो कॉपीराइट सॉन्ग लगा देंगे, जैसे कि NCS का वीडियो यहाँ पे प्ले कर लेंगे। NCS सर्च करने के बाद इस चैनल पे चल जाएंगे। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग कोई भी लगा लेंगे। यहाँ से जैसे कि हम यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ऑडियो हैं यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग हैं। यहाँ पे हम ऑडियो इसका लगा लेते हैं इलेक्ट्रोनोमिका स्काई हाई, इसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि ये सिस्टम का नॉर्मल सॉन्ग है, तो इसको हम 50% पे सेट कर लेंगे, जैसे कि हमारा वॉल्यूम 50% पे सेट कर लेते हैं इसे। ये सिस्टम की 50% वॉल्यूम है, जैसे कि हम यहाँ पे ऑडियो प्ले कर लेंगे इसे। प्ले करने के बाद इसका बूस्ट ऑडियो ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बूस्ट वॉल्यूम लिखा है। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है, 1 क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद अपना ऑडियो यहाँ पे प्ले कर लेना है। तो देख सकते हैं कितना इंक्रीज हो चुका है आपका ऑडियो। तो इस तरीके से अपने सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप की आवाज़ इंक्रीज कर सकते हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इंक्रीज कर लीजिए अगर आपका भी सिस्टम का ऑडियो स्लो है। एक और बात बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लूप में भी लगा सकते हैं इसको, यहाँ पे बूस्ट ऑडियो भी कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम पे बार बार ऐड आता है तो यहाँ पे रिमूव ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से देख सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से,
देख सकते हैं इतना सारा फीचर आपको मिलेगा जो कि एनहेंसर फॉर यूट्यूब पे। तो यह एक एक्सटेंशन है जो कि ऐड करके आप इसे लगा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बस ये यूट्यूब पे काम करेगा और कहीं नहीं काम करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।